हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द डक्ट्स के बारे में। तो हम इसमें तीन से चार टॉपिक ही पढ़ेंगे, जो है कि डक्ट्स कैसे हैं। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, डक्ट का सेटलमेंट कैसे हुआ था वो देखेंगे, एंग्लो डक्ट रिवेलियन देखेंगे, डिक्लाइन ऑफ डक्ट इन इंडिया देखेंगे। इतने टॉपिक्स हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं मैंने स्लाइड्स में कवर करके रखी हैं, तो आप चाहें तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में साथ में टिक लगा सकते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि आपने बुक साथ में खोल के रखी होगी, से आपको वीडियो की जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से समझ में आ सकें आपके लिए। इसके पहले मैंने और भी टॉपिक्स कवर कर दी हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एकदम सीरीज़ में चीज़ें आपको मिल जाएंगी जाके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि पोर्तुगीज़ कैसे आया, पोर्तुगीज़ ने कैसे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, वो कैसे अपने आप को अपना जो है धर्म को भी प्रचार कर रहे थे, फिर उन्होंने कैसे मुगल्स के साथ फेवर लूज़ कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी चीट करते थे, किसी के साथ भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे उनके। हम फिर देखते हैं धीरे धीरे करके कैसे इंग्लिश कंपनी भी अपने आप को सेटलमेंट करने के लिए आ रही थी। अब हम देखेंगे कि जो डक्ट्स हैं, कि अपने आप को डक्ट्स कैसे सेटलमेंट करते हैं, डक्ट्स कैसे आते हैं, कौन सा सबसे पहला पर्सन होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब आप ये चीज़ देखेंगे, जो भी पोर्तुगीज़ आई थी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जो डक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, ये सारे किस चीज़ के लिए आए थे? सिर्फ इनको क्या था, कॉमर्शियली अपने आप को क्या करना था, एस्टेब्लिश करना था इंडिया में। तो ये डक्ट भी इसलिए आती कि अपने आप को कॉमर्शियली भी ये आगे बढ़ा सके। तो किस चीज़ के लिए आते हैं, कॉमर्शियल एंटरप्राइज़ के लिए आते हैं। सबसे पहले इंसान जो आते हैं इधर पे, वो कौन थे, कॉर्नेलिस दी हॉटमैन आए थे। वॉज द फर्स्ट डक्ट मैन टू रीच सुमात्रा एंड बंतम। ये दो जगह जो कहाँ इंडोनेशिया में है, ये दो जगह पे ये आए थे। ये पहले डक्ट मैन थे ऐसे। ये कब आए थे, इन 1596 में ये आए थे। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि सब लोग अपनी कॉमर्शियली इधर पे आ रहे थे, अपने आप को कॉमर्शियली एस्टेब्लिशमेंट करना था। तो क्या था, स्टेट जनरल ऑफ नीदरलैंड जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को मिला दिया जो उनके कंट्रोल में थे, और उन्होंने एक कंपनी बना दी जिसको क्या कहते हैं, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। उनने वो कंपनीज़ को मिला दिया जो कंपनीज़ उनके कंट्रोल में थी, जो कंपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी, उन सारी कंपनी को मिला दिया और उन्होंने क्या बना लिया, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड उन्होंने बना ली। और फिर ये जो ये कंपनी होती है, द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ आती है, ईस्ट में आती है ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। और ये कहाँ पे सेटलमेंट कर लेती, इंडोनेशिया और अदर जगह पे कंट्रोल कर लेती है इंडिया में, और इधर पे अपना सेटलमेंट कर लेती है। अब जो ये कंपनी आती है, तो इस कंपनी के लिए पूरी परमिशन होती है। द कंपनी वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू कैरी ऑन वॉर ट्रीटीज़, टू टेक पोजीशन ऑफ टेरिटरीज एंड टू इरेक्ट फोर्ट्रेसेस। मतलब क्या है कि जो ये कंपनी आई थी, जो ये कंपनी बनाई गई थी, तो इसके लिए क्या है, पूरी खुली छूट दी गई थी कि आपको वॉर करना है अगर कहीं, तो आप वॉर भी कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी ट्रीटी साइन करनी है तो आप ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं। आपको कोई टेरिटरी को अक्वायर करना हो तो आप वो भी अक्वायर कर सकते हैं। और अपने सेटलमेंट की अगल बगल आपको अगर फोर्टिफिकेशन करना है तो आप फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं फोर्टिफिकेशन फिर से आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इधर पर इनका सेटलमेंट है, इधर पर इनका क्या है, सेटलमेंट हो रखा है। सेटलमेंट के अगल बगल इन्होंने क्या कर ली, बड़ी बड़ी जो है इन्होंने दीवाले बना ली। दीवाले बना के क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने सेटलमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे अगर कल के दिन कोई वॉर होती है तो अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे और ये क्या है, अगेंस्ट लड़ पाएंगे। तो फोर्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है, अगर कोई भी कंपनी फोर्टिफिकेशन कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनका रूलिंग का भी कहीं ना कहीं पर्पस है। तो इनके लिए हर चीज़ की परमिशन दी गई थी। अब हम बात करते हैं डक्ट सेटलमेंट की। अब डक्ट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ सेटलमेंट किया गया इन्होंने, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डक्ट फाउंड देयर फैक्ट्रीज इन मसूलीपट्टनम इन आंध्र इन 1605। इन्होंने कहा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि कहाँ आंध्र में है। 1605 में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। और ये जो है बढ़ते गए आगे और अपना ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या करने लगे, एस्टेब्लिश करने लगे। डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने जल्दी जल्दी एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें क्या है, पोर्तुगीज़ को कहीं ना कहीं खटकने लगी। पोर्तुगीज़ को करने लगा कि यार ये कॉमर्शियली ये लोग भी काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं, ये लोग भी बहुत जल्दी जल्दी अपनी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पोर्तुगीज़ के लिए खटक रही थी। एंड ऑन मैनी अदर इन इंडिया एंड बिकेम अ थ्रेट टू दी पोर्तुगीज़। क्या है, और बहुत सारे एरिया में इन्होंने क्या कहा, अपना सेटलमेंट किया और ये कहीं ना कहीं थ्रेट बन गए पोर्तुगीज़ के लिए, क्योंकि अब ये भी कॉमर्शियली स्ट्रांग पोजीशन हासिल करने लगे थे। पोर्तुगीज़ को भी देख के लग रहा था यार ये लोग स्ट्रांग पोजीशन हासिल ना कर लें, अब ये लोग भी आ चुके हैं। क्योंकि अब इन्होंने क्या किया आगे चल के, दे कैप्चर नागापट्टनम नियर मद्रास चेन्नई में फ्रॉम पोर्तुगीज़ एंड मेड इट देयर मेन स्ट्रांग होल्ड इन साउथ इंडिया। इन्होंने जो है नागापट्टनम जो कि क्या था, जो कि पहले पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था, वो इन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने उन लोगों से छीन लिया और उसको क्या है, अपना मेन एक स्ट्रांग होल्ड उधर पे बना लिया इन्होंने साउथ इंडिया में।
अब हम ये देखेंगे डक्ट्स जो है धीरे धीरे करके है अपना जो डिफरेंट एरियाज में सेटलमेंट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एरिया में अपना सेटलमेंट कर लेते, मैंने कुछ गिनी चुनी जगह ही लिखी हैं इसमें, और भी सारी जगहों में ये क्या करते हैं अपना सेटलमेंट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ तो सूरत में कर लेते 1616 में कर लेते, कोचिन में कर लेते 1663 में, नागापट्टनम में ये कर लेते हैं, ये बहुत सारे और एरियाज में क्या कर लेते अपना जो है सेटलमेंट करने लगते हैं। 1609 में द ओपन अ फैक्ट्री इन पुलकित नॉर्थ ऑफ मद्रास, नॉर्थ ऑफ मद्रास में ये क्या है अपनी फैक्ट्री को इधर पे भी क्या कर लगते हैं एस्टेब्लिश करने लगते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे एरियाज में उन्होंने अपना सेटलमेंट करने लगे थे। तो ये क्या करते किस किस चीज़ की ट्रेडिंग करते थे, ये टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करते थे, सिल्क की ट्रेडिंग करते थे फ्रॉम बंगाल, राइस की ट्रेडिंग करते थे, ओपियम की ट्रेडिंग करते थे, इतनी सारी चीज़ों की क्या करते थे ट्रेडिंग करते थे। एंग्लो डच रिवेलियन, इसमें क्या होता है कि इस टाइम पे जैसा आपने देखा कि कितनी जगह पे जो है डक्ट्स ने अपनी कब्जा कर लिया था, पोर्तुगीज़ के एरिया में भी उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि जो इंग्लिश भी होते हैं इस टाइम पे क्या करने लगे थे, अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने लगे थे। बट आपने जैसा पहले पढ़ा हुआ कि पहले कौन आए थे, पहले आए थे एक कैप्टन आए थे विलियम आए थे, फिर सेकेंड आए थे बेस्ट आए थे कैप्टन, तो ये सारे कैप्टन क्यों आए थे, अपनी परमिशन मांगने के लिए आए थे कि हमें फैक्ट्रीज़ का सेटलमेंट मिल जाए। और ऐसे ऐसे करते ही वो क्या कर रहे थे अपना सेटलमेंट कर रहे थे। तो इस टाइम पे हम देखेंगे वो जो इंग्लिश कंपनी है अपना सेटलमेंट कर रही थी, इस टाइम पे राइज हो रही थी, बट डक्ट अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सेटल कर चुके थे इस टाइम पे। डक्ट और इंग्लिश का दोनों का ही काम था, अपना कॉमर्शियली इंटरेस्ट थे दोनों के। अब जो इनकी कॉमर्शियली रिवेलियन थी वो क्या हो गई इनटू ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गई। द इंग्लिश वेयर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग, जो इंग्लिश थे वो इस टाइम पे क्या कर रहे थे राइज कर रहे थे, मतलब उठ रहे थे इनके जैसे ही। तो इनकी कॉमर्शियल रिवेलरी थी वो क्या होगा एकदम ब्लडी वॉरफेयर में एकदम कन्वर्ट हो गई। तो मतलब कॉमर्शियली जब दो कंपनीज रहेंगी तीन कंपनीज रहेंगी तो वो ये चाहेंगी कि क्यों यार दूसरी कंपनी इतना ट्रेडिंग कर रही है, मैं ही सारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज करूं। जैसे पोर्तुगीज ने मोनोपोली करके रखी थी, सिमिलरली क्या बाकी भी नहीं चाहती थी कि वो लोग ट्रेडिंग कर सकें ऐसा। तो सब अपने अपने क्या है कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए क्या है लड़ाई वगैरह भी होती थी इनकी। तो इनकी कॉमर्शियली राइवलरी थी वो इनकी ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गई। तो एक जगह है अम्बोइना, ठीक है, जो पहले जगह किसके अंडर कंट्रोल थी, जो पोर्तुगीज के पास थी पहले, फिर क्या है डक्ट्स ने उस जगह को इन लोग से ले लिया था। फिर क्या है इंग्लिश कंपनी भी कहाँ जाती है अम्बोइना जाती है क्या करने के लिए कॉमर्शियली अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे क्या है कि डक्ट्स को काफ़ी गुस्सा आता है और ये क्या करते हैं 10 इंग्लिश मैन को मार देते हैं और 9 जापानीज के लिए मार देते हैं इन 1623 में। इस चीज़ में जब मारते हैं तो इनके बीच में फिर आगे टाइम तक काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। तो क्या होता है एक टाइम पे ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं हम जो है एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं जो अम्बोइना जगह है इंडोनेशिया में है। तो क्या होता है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि जब दोनों का ही नुकसान होने लगता है तो दोनों सोचते हैं कि हम लोग जो है एरिया को डिसाइड कर लेते हैं। सिमिलरली जैसे स्पेन और किसने किया था पोर्तुगीज ने किया था अपना एरिया डिसाइड कि आप ईस्ट में करेंगे हम वेस्ट में करेंगे, सिमिलरली ये लोग भी अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं जिससे क्या है आगे लड़ाइयाँ ना हो क्योंकि दोनों का नुकसान हो रहा था। तो जो है ये लोग कहते हैं डक्ट्स बोलते हैं हम इंडोनेशिया में अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे और आप जो है इंडिया में अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करना। तो डक्ट्स उधर से चली जाती हैं और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अपनी इंडिया में करने लगती हैं। बट स्टिल आप देखेंगे बाकी कई जगहों पे बहुत सारी जगहें थी, बहुत सारी ट्रेडिंग चीज़ें थी जो सिर्फ क्या डक्ट्स करती थी। फॉर एग्जाम्पल सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, ओपमियम हो गया, इन सारी चीज़ों की जो है क्या करती थी ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग। अभी भी भले ही एरिया बढ़ गया था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डक्ट्स क्या करते हैं इन सब चीज़ों में क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में। तो डक्ट्स एंड द इंग्लिश इन द ईस्ट वॉज रीच्ड एट द अम्बोइना। तो क्या डक्ट और इंग्लिश जो है अम्बोइना रीच करते हैं, डक्ट्स पहुंच गए थे पहले, उन्होंने पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया था, फिर इंग्लिश भी जाते हैं अम्बोइना, ठीक है। तो इंग्लिश जब जाते हैं तो फिर उसके उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जो डक्ट्स होते हैं वो 10 इंग्लिश मैन को मार देते हैं और 9 जापानीज के लिए मार देते हैं। और इसके बाद फिर उनकी लड़ाई शुरू होती है और फिर सेटलमेंट हो जाता है वेयर दे मैस्करी 10 इंग्लिश मैन एंड 9 जापानीज, जहाँ पर 10 बिजनेसमैन और 9 जापानीज के लिए मार दिया था। फिर इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो ठीक है 1667 में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दोनों अपने अपना सेंटर को डिवाइड कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर डक्ट है वो डिक्लाइन कैसे हो गए। पहले हमने देखा था कि पोर्तुगीज़ कैसे डिक्लाइन होते हैं, अब हम देखेंगे कि आखिर डक्ट कैसे डिक्लाइन होंगे। तो हम इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये लोग के बीच में फिर भी कहीं ना कहीं फाइट्स होती रहती थी। हम क्या कहते हैं थर्ड एंग्लो डक्ट वॉर हुई जो कि 1672 से लेके 74 तक हुई। उसके बाद हम देखेंगे बैटल ऑफ हुगली भी होती है। तो बैटल ऑफ हुगली क्यों होती है, इसमें क्या होता है कि जो
इंग्लिश होते हैं वो लोग अपना क्या है ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे में बना लेते हैं। पहले सूरत में होता है, सूरत से वो कहाँ बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो बॉम्बे में शिफ्ट होते हैं तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस काफ़ी डिफिकल्ट होता था। हमने पहले भी देखा कि कम्युनिकेशंस जो है काफ़ी डिफिकल्ट होते थे। पोर्तुगी का जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा था कि उसमें कैसे फैक्टर्स प्रेजेंट थे, एक कैप्टन प्रेजेंट था, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से क्या है इंडिविजुअल पावर की वजह से हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता था। कोई भी चीज़ पहुंचानी है, खबर लेनी है या उनके बारे में हमें कुछ जानना है तो कम्युनिकेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इसकी वजह से क्या है लोग क्या है इसका फ़ायदा उठाते थे। सिमिलरली इधर पर भी क्या हुआ कि जो इंग्लिश है उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है सूरत से उठा के बॉम्बे में धीरे धीरे करके शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं तो सूरत जो होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में डिक्लाइन होने लगता है और बॉम्बे जो है एक नया ट्रेडिंग सेंटर के रूप में आता है और जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। इसलिए हम देखेंगे कि सूरत जो होता है अपने तो हम ये देखेंगे सूरत जो है अपने धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंस लूज करता जाता है, वेयर एज बॉम्बे क्या है इंपॉर्टेंट अपनी गेन करता जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर ही चेंज हो जाता है। तो इधर से क्या होता है कि इंग्लिश की शिप्स निकल रही होती हैं ओशियंस के रास्ते में, बे ऑफ बंगाल से ओशियन के रास्ते में जा रही होती हैं अपने घर पे, ठीक है, ये इंग्लैंड जा रही होती है, यूरोपियन कंट्री जा रही होती हैं अपने। तो उसमें क्या होता है कि ये जो डक्ट्स होते हैं इनको बीच में रोक लेते हैं। तो जब जैसे ही इनको पता चलता है इंग्लिश वालों को कि इन्होंने हमारी शिप्स रोकी हैं, तो ये जाते हैं भी बोलते हैं कि जब हमारा एरिया डिवाइड हो चुका है तो आपने हमारी जब ये जा रही हैं अपने घर, जब ये वापस जा रही हैं तो आप इनको क्यों रोक रहे हैं, हमारा तो एरिया डिवाइड हो ही चुका है और ओशियंस के रास्ते जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ओशन के रास्ते से ही जाती हैं, तब भी ये रोक लेते हैं। तो इनकी बात होती है बैटल ऑफ हुगली, इस वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा डक्ट बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। ये चाहते तो जीत जाते, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये चाहते डक्ट तो जीत जाते, लेकिन इनकी कुछ कमियों की वजह से ये हार जाते हैं। इनकी क्या क्या कमी थी, ये कभी भी क्या है बिल्डिंग वगैरह बनाने में, फोर्टिफिकेशन करने में कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं थे। द डक्ट्स वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया, जो डक्ट्स थे वो कहीं भी एम्पायर बिल्डिंग में ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, वो ना चाहते थे इन सब चीज़ों को करना। जबकि आप देखेंगे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डक्ट्स जो आए थे तो इन लोगों के लिए प्रॉपर परमिशन दी गई थी कि आप लोग जो है फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, आपको कोई ट्रीटीज साइन करनी है अपने बिहाफ पे अपने अकॉर्डिंग तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई भी टेरिटरी आपको अक्वायर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपसे आपको ट्रेडिंग करनी है कंटिन्यू आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बट फिर भी इन्होंने फोर्टिफिकेशन वगैरह पे बिल्डिंग वगैरह पे इन्होंने कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना बिल्डअप किया। अगर ये सारी चीज़ें ये करते तो कहीं ना कहीं आज ही तो उस टाइम पे ये जीत जाते। देयर मेन कॉमर्शियल इंटरेस्ट ले इन दी स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इनका क्या है मेनली कॉमर्शियली इनको इंटरेस्ट था, और कहाँ पे मेनली इनको इंटरेस्ट था द स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में इनको क्या है काफ़ी इंटरेस्ट था इनके लिए, और उधर से इन्होंने काफ़ी रेवेन्यू भी अर्न किया। तो आप देखेंगे जैसे ही बैटल ऑफ हुगली में ये हार जाते हैं तो इनका ये जो हो धीरे धीरे करके और डिक्लेयर होने लगते हैं डक्ट्स वगैरह। और हम देखेंगे आगे चार्टर्ड अकाउंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, जो भी टॉपिक बचे होंगे वो भी हम आगे देखेंगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।